Hey boys, welcome back to another video on Limitless Indian. मैं आपका भाई जसप्रीत एक और वीडियो लेकर आया हूँ भाई। ये ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है यहाँ पर, यहीं पर हमने डिलीवरी करी है अभी एक घंटा पहले, और मेरे निकलने से पहले ये आ गया भाई ट्रेन का इंजन ट्रेलर लेके। मैं कहा निकलो भाई यहाँ से, ये तो ट्रक से ही बड़ी गेम ले घूम रहे हैं। हम वो रहे, वो हमारा जहाज है, ये इनका जहाज है, ये जहाज सबसे बड़ा जहाज है भाई, क्या बात है। तो अभी करते हैं भाई अपने ट्रक का व्लॉग शुरू, और मैं इस टाइम पे था मिनियापोलिस के अंदर, मिनेसोटा के अंदर पड़ता है भाई ये। बहुत अच्छा दिन चढ़ चुका है और हमारा ट्रक देख लो भाई, वहाँ पे हमने पार्क कर दिया था साइड पे, यहाँ पर डिलीवरी करके। तो भाई आज का प्रोग्राम ऐसा, डिलीवरी हो चुकी है हमारी डन, और अब हमें जाना लोड उठाने के लिए, लोड पिक करने के लिए। अराउंड 30 से 40 मिनट की ड्राइव है यहाँ से, और इस शेर को लेकर चलते हैं भाई साहब। कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यार, क्या बात है। आज दिन भी बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी स्नो गिर रखी है, पर भगवान की भाई एक दया तुम्हारे भाई के ऊपर कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ना वहाँ पर स्नो डन हो चुकी होती है ऑलरेडी। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कल परसों काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है, आज कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं भाई अपना ट्रक के अंदर और यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको सिटी ऑफ मिनियापोलिस की ड्राइव। हाँ जी भाइयों, ट्रक के अंदर आ चुके हैं, निकल लेंगे राम राम से। चल भाई जस से भगा ले ट्रक को, मन तो मेरा है मैं यहीं से मुड़ जाऊं, पर रेड लाइट भी हो चुकी है और यहां से हम मुड़ भी नहीं सकते। वो अगले चौक से लेफ्ट मारना है। जा हो जा भाई, ग्रीन लाइट क्या कर रही है भाई इतनी देर। व्हाई यू आर प्लेइंग विद मी, ग्रीन लाइट हो चुकी है गाइस, ट्रक को भगा दिया। यहाँ से लेना है लेफ्ट, और यहाँ पे साइन लगा हुआ है ट्रक रूट है, राइट मारो सीधा जाओ लेफ्ट मारो, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाएंगे इसको, यहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद फिर चल भाई। और टाइम हो चुका है बेल्ट लगाने का, लगा लेते हैं। यहाँ से हमने मारना राइट, अब यहाँ से राइट मारने के लिए पहले हमें धीरे धीरे जाना होगा यहाँ पर, फिर हमें जाना होगा यहाँ पर, फिर हमें ग्रीन लाइट मिल चुकी है, फिर हम आएंगे पूरा यहाँ तक, पूरा चढ़ा के राइट मार देंगे। लो जी अपनी लेन में आ जाएंगे जिसमें घुसे हैं। सो अब आगे अराउंड हमने 0.6 माइल्स जाना है, एक माइल से बहुत ही कम, और हम एंटर हो जाएंगे हाईवे में, बड़े इंटरस्टेट में। ये कौन ट्रक खड़ा करके भूल गए यहाँ पे। धीरे 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 भाई साहब, होमलेस घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है। इस शहर में है होमलेस की प्रॉब्लम सर जी। धीरे 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 यार, आज अपना ट्रक बड़ा खड़ा करा यार, अंदर सामान अच्छे से पैक करने वाला हो रहा है। स्नो ही स्नो हो रखी है भाई, गाड़ियां बेचारी साइड पे बंदी खड़ी हैं भाई। बाकी सब बातें तो ठीक है, ये ट्रक वाला कैसे लगाए खड़ा हुआ बीच में यार, मैं जाओगे इसके बीच में मारूं, अपना ही नुकसान है भाई। चुपचाप इस साइड होकर निकल ले, इसे तो अकल है नहीं, तुझे तो है ना भाई। सो हमें अब लेना भाई हाईवे वेस्ट, तो यहाँ से जल्दी से मार देंगे लेफ्ट। फिर रैंप पे चढ़ने के लिए इन्होंने लाइट लगा रखी है। अब हम सामने से कोई नहीं आ रहा, जा सकते हैं, बस अगर सामने से कोई आ रहा होता हमें वेट करनी पड़ती। यहाँ से आकर धीरे हो जाएंगे बिल्कुल। चल भाई खड्डे से थे ना थोड़े, चल भाई भगा ले अब। अब ये है इंटरस्टेट हाईवे 94, और भाई चोर, ओ चोर चोर मचाए शोर, 105 पे हो जाएंगे। ट्रक भी खाली है भाई, लाइट बिल्कुल गाड़ी की तरह भाग रहा है भाई ने। आ गया भाई 90 100, अब हम आ जाएंगे लेफ्ट लेन में, कोई नहीं आ रहा। उसके बाद एक और लेन स्विच करेंगे हम, और ये हम चढ़ गए हाईवे पे। तो यहाँ पे भाई रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो यहाँ पर मोटे चलाना है यार। फिर लाइट होते ही भगा लेंगे, तो चढ़ा के जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से गाड़ियों वाले भी हैं ना लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो उनको छीले ना, इसलिए हम थोड़ा चढ़ा के मुड़ेंगे।
लो जी यहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे। मैं थोड़ी सी शरारत भी करना चाहता हूँ यार, क्या मैं कर लूँ? आते हुए करेंगे, आते हुए लगाएंगे आग। करूँगा मैं तो, अभी करूँगा भाई, मैं तो अभी करूँगा भाई, भाई मैं तो अभी करूँगा, मैं तो भाई अभी करूँगा, मैं तो भाई अभी करूँगा। मैं तो भाई अभी करूँगा। स्नो स्टॉप। भाई साहब स्नो देखी नहीं यार। अब वो आगे बंदा जो खड़ा हुआ है, हमें जाना अंदर, राइट? चले जाएंगे हम, काम करते हैं यहाँ पर, ट्रक को लगा कर ना पहले देख के आते हैं, निकल भी सकते हैं, क्योंकि वो फंसा के सा खड़ा हुआ है यार बीच में ना। तो अभी हम अपने ट्रक को यहीं पर लगा देंगे और जाकर देख कर आएंगे क्या सीन चल रहा है। देख रहे हो कीचड़ बन रखा अब, जिसको तुम स्नो स्नो कह के चिल्लाते हो ना, वो अब कीचड़ हो चुका है। जाकर देख कर आते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मुझे लगता नहीं है, भाई के लिए वेट करनी पड़ेगी, है ना। जगह तो है भाई, जगह तो है, निकल जाऊंगा। आई कैन गो दिस वे राइट? या वन सेकंड यू आउट, ओके ओके, आई विल वेट फॉर यू ब्रो, आई विल वेट फॉर यू। ये भाई का ट्रक है भाई, चेक करो क्या बात है भाई, पीटरबिल्ट। ये पूरी जन्नत काट रखी है भाई ने, तो भाई लेके जा रहा है, भाई लेके जा रहा है मशीनरी पैक करके, क्या बात है ब्रो। अब इसने यहाँ से उठा लिया, अभी यहाँ से निकल जाएगा, हम वहाँ से आएंगे इस साइड को जाएंगे, भाई की वेट कर रहे हैं, चलते हैं ट्रक की तरफ। भाई मेरे हिसाब से निकलने को तैयार पर तैयार। अब ये सुनो, मैं भाग रहा हूँ, फिसल भी सकता हूँ। तो भाई भी आ चुका है, थोड़ा इस साइड को कर लेंगे ताकि उसको अच्छे से जगह मिल जाए। ओके ब्रदर, टेक केयर ब्रो। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, वैन वाला भी आ गया, नहीं वो नहीं चाहता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम यहाँ पर चलेंगे, उठाना कहाँ से है लोड? लोड मोस्ट लाइकली हमने यहीं से उठाना है, पर भैया जी हम मारेंगे छलांग। ओ ओ भाई, मैंने वहाँ जंप मारी यहाँ पे, और ये मेरी बॉडी जम गई, और तेरी वाइट टेंट लग रही है। तो भाई अब हमें ट्रक को लाना होगा मोड़ के। सो प्लान मेरा ये है भाई कि ना इसको यहाँ से भी मोड़ सकते हैं वैसे हम, पर हम थोड़ा हार्ड वाली जगह से मोड़ के लाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे धीरे धीरे इस साइड को, अब इस साइड से मोड़ेंगे भाई, मोड़ तो लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं ना भाई। ट्रक को लगा देते हैं इस साइड पे बैक, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ट्रक को यहाँ से ऐसे लाके इस साइड पे ले जाते हैं बैक करके। देख रहे हो, इस तरीके से अपने ट्रक को ले जाते हैं। पर एक काम बहुत जरूरी है, ज्यादा प्लेयर मन ना बनो कभी भी,
एक बार जाके जरूर देखाओ कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो ना। यार मेरी हरियाणवी टच क्यों आ गया एकदम से? हाँ देख रहे हो भाई, एंगल बन गया, उस साइड पे हिट नहीं करेंगे, ओके है ना? तो एक बार उतर के देखना लाजमी है, जरूर करो, तुम्हें स्नो की कसम, जरूर करो। तो अभी चलते हैं। देख रहे हो कला भाई की, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो ना? लाइक ठोक दो फिर। देख रहे हो बैग भाई की। तो हम यहाँ से हम चलेंगे उस साइड, क्योंकि अपना डोर वहाँ पे है। 38 ये रहा भाई डोर नंबर 40। सब देख रहे हो, हमारे को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स खाली हैं। ठीक है जी, अब करेंगे क्या? कुछ नहीं भाई, ऐसे आके उसके बाद, क्योंकि मेरे जो एक्सल है ना वो काफ़ी पीछे को कर रखे हैं मैंने, इसलिए पूरा घुमा के लगाना पड़ेगा हमें इसी जगह पे। तो इस साइड भी देखते रहो। देख रहे हो। तो अभी कुछ नहीं करना, ट्रक को करना हल्का सीधा, डोर भी खोलने भाई, ग्लव्स ले लेंगे यहां से और डोर खोल देंगे। लो जी, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे ग्लव्स हमारे, बिल्कुल साफ सफाई है कनाडा अमेरिका में। ट्रेलर देख लो भाई, खाली का खाली, इसके को कर देंगे अब यहाँ पे हुक, अब इसे भी खोल देंगे। चल बेटा अंदर ही, देखे लुप्पी सी है भाई। अरे भाई भाई मेरी उंगली ना दे दिए। डोर हो गया लॉक, सब चलेंगे, इसे डोर पे बैक लगा देंगे। तो ट्रक लगा दिया बैक, और एक भाई निगाह मार आएंगे उसके बाद कि दोनों साइड से सीधा खड़ा है ना, बिल्कुल ओके है। तो ये है जी बैक, जब भी आप बैक लगाते हो, पर सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूँगा भाई, जितना स्लो लगाओगे ना बैक उतना ज़्यादा बढ़िया रहोगे। अगर टाइट जगह पे बैक लगा रहे हो, जो तुम्हारे ट्रेलर के टायर हैं उनको पूरा आगे कर लो, ईजिली लग जाएगी। अगर आप खुली जगह पे बैक लगा रहे हो, जहाँ पे मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं ट्रक के, और भाई ये अपना लिविंग एरिया, अभी ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, सराहने पड़े हुए हैं इधर, कंबल, ये माइक्रोवेव लगा हुआ भाई हमारा ट्रक के अंदर, उसके बाद यहाँ पर टीवी लगाने का माउंट है, पर हमने अपनी टोपी रखी हुई है। और अब प्लान ये है भाई, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पर बैठ के आराम से, तो यहाँ से निकालेंगे अपना पोर्टेबल टेबल, जो कि खुल के बन जाएगा। तो आईपैड को निकाल लेंगे यहाँ से, आईपैड को हम यहाँ पे रख सकते हैं।
कोई गाने वगैरह लगाने के लिए है ना, पर अभी बंद कर देंगे भाई क्योंकि कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए, इसे रख देते हैं यहाँ पे। सो भाई उसके बाद हमें चाहिए अपना चूल्हा, ये इलेक्ट्रिक कुकवेयर। सो यहाँ से निकाल लेंगे भाई अपना बोर्ड जिस पे लगा देंगे इसको और कर देंगे चालू। अरे भाई क्या दिक्कत होगी भाई, चल जा भाई। लो जी हो गया चालू। उसके बाद हमें चाहिए अपना ये थोड़ा गंदा हो रहा है, ऐसे करते हैं साफ, टिशू के साथ मार के पाए उठा लेंगे। रुक जाओ, सब प्लान ये है भाई, अपना कुक टॉप तैयार है। यहाँ से ले आएंगे अपना कोकोनट ऑयल, अंडे निकाल लेंगे, देसी अंडे रख रखे भाई ने एक, ये इसलिए छुपा के रख रखे हैं क्योंकि भाई ट्रक चलता है ना फिर ये उछल के गिर गिरा ना जाए। दो चार खाएंगे भाई अंडे, ठीक है चार अंडे और इसी पे पकाएंगे, अब गर्म हो रहा है भाई। ओ कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सबसे पहले थोड़ा सा लेंगे अपना कोकोनट ऑयल, देख सकते हो भाई ये चाहिए उसके लिए हमें प्लास्टिक का चम्मच छोटा सा। अब जिसको पता लग गया इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, एक चम्मच ले लेंगे भाई कोकोनट ऑयल, और ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है बिल्कुल प्योर वाला, तो ये समझ लो कि बढ़िया होता भाई, ज्ञानी बंदे दूर रहे, खा के देखना एक बारी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, कुछ भी पका लो उसके अंदर है ना। तेल अपना हो गया गरम, थोड़ा गैस कर लेते हैं कम, और अब डालेंगे एक एक करके अंडे। मैं सोचता हूँ पहले एक एक करके अंडे डाल लेते हैं भाई, ये ना फटाफट हमें बनाने होंगे, इसके लिए हमें ये भी चाहिए एक। चलो ले भाई अंडे बन रहे हैं। ओए अरे भाई क्या हो गया, नजर लगी भाई अंडों को, नजर लगी भाई। वीडियो बनानी कौन सी आसान है भाई, तुम तो मजे लेते हो पूरे पूरे भाई, दिखाओ दिखाओ अपना दिन दिखाओ ले भाई। इसके बाद अभी तक तो ये लग रहा है सुंदर, ठीक है भाई अब इसे बना देंगे हम होच पॉच। लो जी ये बहुत बढ़िया हो जाता है, बढ़िया स्क्रैम्बल एग्स टाइप की गेम बन जाती है। तो ताजी ताजी तुम्हारे भाई ने डाइट शुरू करी है कि भाई थोड़ा ना पतले होना यार, बहुत ज़्यादा फट चुका हूँ मैं। गार्लिक पाउडर ले लेंगे थोड़ा सा, ये डाल देंगे इसके अंदर, स्वाद भी चाहिए ना फिर। अब मैं गार्लिक छीलूंगा फिर डालूंगा इसमें है ना, टाइम लग जाएगा। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, इतनी ज्यादा भरी हुई है ना छोड़ ही दो बात। चलो सर चलो 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 थोड़ा डाल देंगे जीरे का पाउडर। अरे भाई पिछली बार मेरे से ऐसे हो गया था, ये ढक्कन खोलना नहीं होता, इसको ऐसे खोलना होता है। यार कितना निकलता है, ज़्यादा निकलता है इसमें से ना। चलो जी स्पिनच देख रहे हो, पैकेट है स्पिनच का, स्पिनच निकाल लेंगे थोड़ी सी, ऐसे डाल देंगे छील के हाथों से ही, कुछ नहीं करना और हमें ज़्यादा स्पिनच पकानी नहीं है, पानी छोड़ देगी। तो भाई रेडी टू गो है, गैस कर दिया मैंने बंद, ठीक है। अब प्लान ये है कि खाना खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं और तब तक लोड भी रेडी हो जाएगा, लोड उठा के आपको अगली अपडेट देता हूँ भाई क्या सीन है, बने रहो भाई के साथ। सो भाई वो खाना पीना खाने के बाद ना मैंने ट्रक को खोल लिया, मैं कहा यार थोड़े ना इंस्पेक्शन करूँगा कि ये स्टेयरिंग रॉड चेक करनी थी, थोड़ा सा प्ले लग रहा था मेरे को इसमें, पर यहाँ पर देखा ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहा यार आज आपको एक चीज़ दिखाई है, जंतर दिखाया जाए क्योंकि जब बात आती है ना कनाडा और यूएस में भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप स्नो पड़ती है, राइट स्नो पड़ती है, ठंड होती है, विंटर होती है। तो कभी आपने ये चीज़ सोची है जब हम शीशा साफ करेंगे, ये जो शीशे हैं तो पानी से तो साफ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर पानी से साफ करेंगे भाई पानी जम नहीं जाएगा, माइनस में टेम्परेचर जाना आम सी बात होती है। तो भाई उस टाइम पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है,
सो इसे कहते हैं विंडशील वॉशर फ्लूइड। और भाई ये जाता है इसके अंदर, और ये पानी का काम करता है जब हम शीशे साफ करते हैं, राइट। अगर आप देख सकते हो ना, जितना भी साफ करता है शीशा वो यही करता है, पानी हो तो जम जाएगा भाई। ले भाई ठीक है। उसके बाद जो जो दूसरी स्ट्रैप है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। तो पहले इसको खोल लेंगे, खुलने के बाद ना इसे हम ढीली कर देंगे, देख रहे हो। अब ये अपने आप को ढीला छोड़ देगी। ये भाई खींच लो, इसको खींचने के बाद अभी हम इसको लगा देंगे यहाँ पे। दोनों साइड से किसी भी साइड पे लगा सकते हो आप। अब सीन ये है कि भाई इसको घुमा देंगे ऐसे, उल्टी लगा दी हमने स्ट्रैप, तो चल जाएगा। चलो इतना का तो चलता है भाई। अब इसका लॉक उतार देंगे। लो जी, लॉक उतारने के बाद चलते हैं नीचे। ऐसे उतरना नहीं चाहिए आपको, इस तरीके से उतरना चाहिए हमेशा ट्रक से। अब डोर कर देते हैं क्लोज, सील को डाल देंगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। लो जी फिर हो गया डन। तो अब यहाँ से हम निकलने के लिए तैयार हैं। कुछ पेपर वर्क भेजने होंगे कंपनी वालों को, वो भेज देते हैं अंदर चल के। सो ये जो है ये लास्ट एग्जिट है। अगर आपने ये एग्जिट नहीं लिया, ये वाला नहीं, ये अगले वाला, तो इसके बाद सर आपको कनाडा जाना होगा, वापस नहीं आ सकते, यू टर्न नहीं मार सकते इसके बाद। हमें तो जाना ही कनाडा यार, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये दोनों लेन्स आप देख सकते हो, ब्रिज टू कनाडा ये लिखा हुआ। इतने बड़े बड़े बोर्ड इन्होंने इसलिए लगा रखे भाई, बहुत दुनिया गलती करती है, इनके बावजूद भी बोर्ड लगे हैं, फिर भी लोग चले जाते हैं कनाडा की तरफ भाई, ध्यान नहीं देते। टोल पे करके आ गए हैं, और इस साइड पे देख लो कितना जाम लग रखा है, पूरा पुल ब्लॉक हो रखा है। अब ये लेन होती है ट्रक वालों की, हमारे तो आगे तक ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर देखो इस साइड देखो यार, ये सारे भाई अपने यूएस को जा रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं कनाडा की साइड, राइट। सो हमारी साइड थोड़ी सी कम भीड़ है, पर आ रहा नो यार, आज है भी वीरवार, शाम को इतनी भीड़ कैसे। मैं भी वहाँ पे ऑफिसर्स कम होंगे यूएस वाली साइड पे ना, इसलिए भी हो जाता कई बार। मेरे को नहीं लग रहा था यार कि ये सारा खाली होएगा, वहीं तक जाम था जितना भी था टोल तक सब। ये इसके बाद हम कनाडा में एंटर हो जाते हैं बॉयज, तो देख रहे हो गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक्स, और ये भाई बिल्कुल किसी रूल को फॉलो ना करता हुआ लेफ्ट लेन में ही जा रहा है कि बस मैं जी वो हूँ, क्या कहते होते उसको, आउटलॉ। ये हमारा भाई आउटलॉ ट्रकर है, आइडियल लॉजिस्टिक ग्रुप वाला। चलो भाई अपनी अपनी गेम है, पर रामखोरी ज़्यादा नहीं चलती होती, कहीं ना कहीं बंदा अड़िक के आ ही जाता है, और फिर भाई मंजे ढकते हैं वीर जे मंजे। सब इस लाइन में रहेंगे हम। अब आगे जाकर ना लाइंस डिवाइड होती रहती है, अब कई बंदे थोड़ी चलाकी करते हैं, जो कि मैंने भी करी है कई बारी, मैं नहीं कहूँगा मैं दूध से नहाता हूँ, नहीं ब्रो। यहाँ से अगर आप चले जाओ ना, तो आप बिल्कुल फ्रंट पे चले जाते हो परली साइड की लाइंस पे। क्यों गालियाँ खानी यार, ये रेडियो लगा होता है, मैंने बंद कर रखा है, जब चलता होता ना फिर गाली बक रहे होते हैं एक दूसरे को सारे, इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में। आओ ब्रो, तो अपनी इमिग्रेशन कराते हैं बॉयज। ये इनका इमिग्रेशन चेकिंग पॉइंट है, अगर आपको पुल करते हैं वहाँ से अगर जाने देंगे तो आप एंटर हो जाओगे कनाडा में। अगर आपको कह देंगे भाई चेकिंग होगी तेरी, तो आपको इस साइड पे ले आएंगे। सारा एरिया इनका ही है, अंदर इनके ऑफिसेज हैं, उस साइड पे डॉक्स हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया भी देता है कभी इमरजेंसी हो जाए, राइट। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए अगर रोड ख़राब है ना, स्नो बहुत ज़्यादा पड़ गई, स्टॉर्म आ गया, 100 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं हाईवेज पे, राइट। सो यहाँ पर भी कई बार पार्क लगवा लेते हैं आपको कि यहाँ पर लगाओ और सो जाओ जट्टो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉयज अब इमिग्रेशन करा लें, अब मैं चलता हूँ भाई, मुझे दो इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, छोटी वीडियो थी मे भी,
पर अच्छी लगी होगी यार। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, टिल देन बने रहो, स्टे लिमिटलेस, स्टे इंडियन बॉयज़।